Hello friends, welcome to this video lecture. My name is Hitendra Chaudhary and the topic of the day is going to be inflation, जिसे हम हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं और अगर लेमैन के टर्म में बात करें तो महंगाई भी कह सकते हैं. इन्फ्लेशन इज अ काइंड ऑफ टॉपिक विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बिकॉज आम आदमी की लाइफ को बहुत इंपैक्ट करता है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है. आम आदमी की परचेजिंग पावर पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ती है चीज़ों की. तो हम जनरली देखते हैं कि जब चीज़ों की महंगाई दाम जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं और वो सब आपने देखा ही अपने आसपास. बिकॉज रिसेंटली जब दाल के दाम इतने बढ़ गए थे, सो देर वर प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, इस पिक्चर्स में हमें दिख रहा है कि ऐसे प्रोटेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं. ठीक है, और सो बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जाम्स में इस तरह के टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, सो इन्फ्लेशन जो है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो यू हैव टू कवर दिस टॉपिक विद ऑल हार्ट, बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ ह्यूज टॉपिक. सो दिस विल नॉट बी एबल टू कवर दिस टॉपिक ओनली इन वन वीडियो लेक्चर. सो कम से कम हम तीन वीडियो लेक्चर इसके बनाएंगे, तीन पार्ट में हम इसको कवर करेंगे. ठीक है, एंड आई सजेस्ट यू इफ यू वॉन्ट टू हैव कम्प्लीट कमांड ओवर दिस टॉपिक, सो आप इस लेक्चर को और आने वाले वीडियो लेक्चर्स को बड़ा ध्यान से देखिएगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, सो इस लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हम यहाँ से ले लेते हैं. ठीक है, हम क्या क्या कवर करेंगे. सो आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल दीज वीडियोज यू विल बी एबल टू आंसर दीज बेसिक क्वेश्चन लाइक मीनिंग क्या होता है इकोनॉमी का. नेचुरल सी बात है, दिस इज गोइंग टू बी द अवर फर्स्ट थिंग. किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग. उसके बारे में हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इसके हम जो है कॉज के बारे में भी पढ़ेंगे. एक्चुअली दिस इज द सेम थिंग, टाइप्स और कॉज. वट इज़ द रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ती है उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है, जब महंगाई बढ़ जाती है एक हद से ज़्यादा, वो इम्पैक्ट करती है हमारे सोशल इश्यूज़ को, हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है. तो उसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके होते हैं, व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. उसमें गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, उसमें आरबीआई का भी रोल रहता है. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने में क्या रोल रहता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मतलब इन्फ्लेशन इज़ गुड और बैड फॉर आवर इकोनॉमी. एक जनरल परसेप्शन रहता है कि महंगाई इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी होती है, बट ऐसा नहीं है. बिकॉज महंगाई जो होती है एक अगर वो मॉडरेट लेवल तक रहती है तो इकोनॉमी के लिए अच्छी भी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के हमारे इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे इम्पोर्ट और एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे. तो ये सारी चीज़ें, बैंक्स के जो रेट्स रहते हैं, लोन जो हम लेते हैं उसके जो इंटरेस्ट रेट वगैरह रहते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके बारे में हम ये भी पढ़ेंगे, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल या टू मेजर इन्फ्लेशन. कुछ मेथड्स ऐसे रहते हैं, कुछ इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे CPI और WPI, इनके बारे में पढ़ेंगे. कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम सबको कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आप इस टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली अवेयर हो सकें, एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैंडल कर सकें. ठीक है, तो आगे चलते हैं. चलिए, ओके, सबसे पहली थिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कई सारे डेफिनेशन है, वैसे हमें जनरल आइडिया तो है ही, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. जब चीज़ों के दामों में इंक्रीमेंट होता है, जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, तो उसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई बढ़ गई है. एंड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी दैट इज सस्टेन्ड ओवर टाइम. अच्छा, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, सस्टेन्ड ओवर टाइम. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो एक टाइम पीरियड तक लगातार इंक्रीज होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि चीज़ों का दाम आज इंक्रीज हो गया, कल डिक्रीज हो गया, दो दिन लगातार इंक्रीज हो गया, फिर दो दिन लगातार डिक्रीज हो गया. इट इज़ नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन. एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम लाइक 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 1 ईयर. ठीक है, अगर चीज़ों के जो हैं प्राइसेस जो हैं लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और ए सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम लगातार थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रहे हैं, देन वी कॉल दैट एन इन्फ्लेशन. अगर वो 3 दिन वो कम हो गए हैं, 3 दिन वो ज़्यादा हो गए हैं, 3 दिन कम हो गए, 3 दिन ज़्यादा हो गए हैं, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन. ठीक है, सो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है. तो पहला रीज़न होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा रीज़न होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन,
ठीक है, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दो तरह के इन्फ्लेशन की हम लोग बात करेंगे, डिमांड पुल एंड कोस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें फ्री मार्केट इकोनॉमी की, हम लोग बात करें फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी कैन से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिस्ट इकोनॉमी लाइक चाइना और रशिया, देर में भी डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, देर आर टू थिंग्स, वन इज डिमांड एंड अदर इज सप्लाई, ठीक है। एज लॉन्ग एज देर इज अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी विल बी स्टेबल और इकोनॉमी अच्छे से काम करेगी। बट एज लॉन्ग एज देर इज अ डिसबैलेंस ड्यू टू एनी रीजंस, ठीक है, तो इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है, जिसे हम, और अगर ये बहुत एक अनकंट्रोल तरीके से चली जाए तो वहाँ पे डिप्रेशन और रिसेशन वगैरह भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई इज़ द बेसिक ब्रिक, और हम कह सकते हैं दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। एज लॉन्ग एज देर इज़ द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एवरीथिंग इज़ गुड। डिमांड और सप्लाई में जब किसी भी एक चीज़ में कम हो गई या ज़्यादा हो गई, देर विल बी डिसबैलेंस, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्फ्लेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है जनरली दो टाइप का रहता है, इसके दो रीजंस रहते हैं, वन इज़ डिमांड पुल एंड सेकंड इज़ कोस्ट पुश। इसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड पुल की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, डिमांड पुल यानी कि डिमांड हाई हो गई है। वी हैव सीन टू थिंग्स, डिमांड एंड सप्लाई, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लाई हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड। डिमांड हाई हो गई है मोर देन सप्लाई, डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। जब किसी चीज़ की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो नेचुरल सी बात है वो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है। अगर किसी कहीं पर जो है परचेजर या जो है वो बायर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और जो है वो लिमिटेड सप्लाई होती है वहाँ पे कमोडिटी की, सो व्हाट विल हैपन, प्राइस विल राइज, ठीक है। जैसे अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो व्हाट हैपन्स इन विंटर्स, विंटर्स में क्या होता है, विंटर क्लोथ्स की जो है वो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो महंगे रहते हैं। लेकिन व्हाट हैपन्स इन समर, समर में क्या होता है, जस्ट बिकॉज विंटर्स जो क्लोथिंग की वो डिमांड नहीं होती है तो वो हमें सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे जो है वो डिमांड कम रहती है, बायर्स कम होते हैं, लेकिन सप्लाई उतनी ही रहती है, सप्लाई कम हो जाती है, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज देर इज़ अ डिसबैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अगर डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में जो है वो हाई हो जाती है, अगर किसी चीज़ के लिए खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, उसे जो माल की सप्लाई है वहाँ पे या कमोडिटी की सप्लाई कम है, तो व्हाट हैपन्स, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो जाती है। बट उस सिचुएशन में क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है, जो कंपनी होती है, उनको पता है डिमांड हाई है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करने के लिए जो प्राइस हाई करते हैं, बिकॉज यही मौका होता है उनके पास प्रॉफिट कमाने का। सो व्हाट हैपन्स, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो दे विल जस्ट रेज द MRP और वी कैन से प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो ये रीज़न रहता है डिमांड पुल में, डिमांड हाई हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि डिमांड हाई क्यों होती है, व्हाट आर द रीजंस कि डिमांड हाई हो गई है। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जनरली इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है अभी जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं दे से कि डिमांड हाई होने का देर इज़ ओनली वन एंड वन ओनली रीज़न के जो है मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया, अगर लोगों के पैसे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, सो दे विल डिमांड मोर एंड मोर। कैसे, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है तो जिन चीज़ों की पहले वो सिर्फ डिज़ायर रखते थे, अब उन चीज़ों का यूज़ भी करेंगे। लाइक अगर पहले लोग हफ्ते में एक बार रेस्टोरेंट जाते थे, जस्ट बिकॉज नाउ दे हैव मनी, सो दे विल जस्ट गो टू रेस्टोरेंट्स फ्रीक्वेंटली। अगर पहले लोग दूध कम पीते थे, जस्ट बिकॉज नाउ दे हैव मनी, सो दे विल यूज़ मोर मिल्क।
ठीक है, ऐसे ही अगर उनके पास पैसा आ जाएगा तो दे विल डिमांड मोर एंड मोर। उसकी वजह से क्या होगा, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी किसी चीज़ की, तो जो जहाँ पे जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं या जो रेस्टोरेंट में अपनी सर्विसेज वहाँ पे जो देते हैं, जस्ट बिकॉज दे नो कि डिमांड मार्केट में हाई है, तो प्रॉफिट मार्जिन को हाई करने के लिए व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट रेज द प्राइस ऑफ देयर कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, सो डिमांड पुल में क्या होता है, डिमांड पुल में वी नो कि डिमांड हाई होती है। डिमांड हाई क्यों होती है, बिकॉज देयर इज मोर मनी, इसलिए कहा जाता है कि मोर मनी इज चेजिंग टू लिटल सप्लाई, या थिंग्स भी कह सकते हैं, कमोडिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा मनी हो जाती है और सप्लाई कम होती है या कमोडिटीज़ कम होती है, तो क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट होती है। अब ये जो पैसा, अब बात यह है कि मनी सप्लाई ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, एक चीज़ तो हमें पता लग गया कि डिमांड हाई होती है, डिमांड हाई क्यों होती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है ना। क्वेश्चन राइजेस के लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया कहाँ से, व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है। तो पहला फैक्टर की जब हम बात करते हैं, तो इट कैन बी सैलरी हाइक, सैलरी हाइक या वेज हाइक, वेज हाइक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नया पे कमीशन लग गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनकी सैलरी हाई हो गई हो। सैलरी हाई होने से क्या हुआ, उनके जो परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, वेज हाइक हो गया हो कुछ सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में अगर वेज हाइक हो गया, यूनियन जो हैं, ट्रेड यूनियंस जो है वो स्ट्राइक में बैठी हैं, अगर किसी रीज़न की वजह से जो है उनकी सैलरी या उनका जो वेज है वो हाइक हो गया है, तो उनके पास भी जो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा आ जाएगी, इन हैंड जो उनकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी। अगर उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, देन दे विल डिमांड मोर, इफ देर इज़ ए मोर डिमांड देर विल बी मोर इन्फ्लेशन। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने का, उसका रीजन ये भी हो सकता है, लो टैक्सेस, लो टैक्सेस, इफ टैक्सेस आर लो व्हाट विल हैपन, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आ सकती है। जैसे अगर डायरेक्ट टैक्सेस या इनकम टैक्स कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, नया बजट पेश हुआ और उसमें जो है गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड इनकम टैक्स, तो व्हाट विल हैपन, लोगों को कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा एंड दे विल बी हैविंग मोर डिस्पोजेबल इनकम। अब ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, दे विल डिमांड मोर, देन व्हेन देयर विल डिमांड देयर विल बी इन्फ्लेशन, ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, लो टैक्सेस, लो टैक्सेस वजह से क्या होगा, मोर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, और क्या रीज़न हो सकता है, देयर इज वन मोर रीज़न, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट्स अगर डिक्रीज हो जाएं, इंटरेस्ट रेट मीन्स देर इज़ अ बैंक, ठीक है, बैंक क्या करता है, लोगों को लोन देता है और उस पर जो है कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंक जो है लोन देता है और उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट इज़ द ओनली प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग बैंक्स। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन नाउ, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, इफ इंटरेस्ट रेट इज़ लो, अगर लोगों को जो है बैंक को लोन दे रहे हैं कम इंटरेस्ट रेट में दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे। व्हाट विल हैपन देन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, लोन लेने की वजह से क्या होगा, लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कार लोन का, ठीक है, कार लोन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं कार लोन पे, तो व्हाट विल हैपन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कार लोन लेना शुरू कर देंगे। ज़्यादा ज़्यादा जो है कार लोन लोग लेंगे, तो व्हाट विल हैपन, कार की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो जो कार प्रोड्यूस कर रही हैं कंपनी, दे व्हाट विल दे डू, अगर उनको पता है कि मार्केट में कार की डिमांड ज़्यादा हो रही है, दे विल डू, तो वो क्या करेंगे, प्राइस जो है वो राइज कर देंगे। ठीक है, कार का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर प्राइस ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का, तो व्हाट विल हैपन, वी कॉल इट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हमने देखा डिमांड, डिमांड के बारे में हमने ये चीज़ देखी, डिमांड कब हाई होती है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, व्हेन देर आर मोर परचेजर्स एंड बायर्स देन
सप्लाई, मनी सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। मनी सप्लाई क्यों कैसे ज़्यादा होती है, या तो वहाँ पे सैलरी हाइक हो गया हो, या वहाँ पे जो है लो टैक्सेस लग गए हों, मोर डिस्पोजेबल इनकम होती है, या जो है बैंक ने इंटरेस्ट रेट अपने जो है लोन पे कम कर दिए हों, इन सब की वजह से जो है डिमांड हाई होती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ कोस्ट पुश। कोस्ट पुश, यहाँ पे कोस्ट पुश का मतलब क्या है? यहाँ पे कोस्ट पुश का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी कोई अगर कोई प्रोड्यूस कर रही है किसी चीज़ को, तो उसको प्रोड्यूस करने में कुछ ना कुछ इनपुट कॉस्ट हमारी होती है। जैसे अगर मान लो किसी चीज़ को कोई प्रोड्यूस करना है किसी कंपनी को, तो वहाँ पे क्या क्या लगता है उसको प्रोड्यूस करने में? वहाँ पे लैंड लगती है, वहाँ पे लेबर लगती है, वहाँ पे कैपिटल या जो मशीनरी वगैरह होती है वहाँ पे वो लगता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है रॉ मटेरियल खर्च होता है। इन सारी चीज़ों को मिला के जो है एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। कंपनी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है तो ये सारी सारी चीज़ें उसमें जो है खर्च होती हैं, और तब जब वो प्रोडक्ट फाइनली बनता है तो उसका जो है प्राइस जो है वो फिक्स होता है, जो मार्केट में हमें बाद में टैक्सेस वगैरह लगने के बाद मिलता है, ठीक है, सिंपल चीज। अब अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में, सारी चीज़ों में किसी भी एक दो चीज़ में जो है अगर इनका वो प्राइस राइज हो गया, मान लो लेबर जो है, लेबर की अगर सैलरी हाई हो गई या उस लेबर का जो वेज है वो इंक्रीज हो गया, तो लेबर का जब इंक्रीज होगा तो नेचुरल सी बात है इसको जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो इनपुट कॉस्ट हमारी आई थी, इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इस प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई हो जाएगा, और जब यानी कि कंपनी को प्रोड्यूस करने में अगर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो कंपनी व्हाट विल कंपनी डू दैट विल ट्रांसफर द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कस्टमर्स, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की इनपुट कॉस्ट ही ज़्यादा है तो व्हाट विल हैपन, कंपनी जो है उसके जो है ट्रांसफर करेगी किसके पास, कस्टमर के पास, कस्टमर को जो चीज़ पहले कम मिल रही थी अब उसको वो महंगी मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। अगर लैंड प्राइसेस हाई हो गए हैं तो दैट सेम विल हैपन, कैपिटल अगर ज़्यादा है तो दैट सेम विल हैपन, रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा है तो सेम विल हैपन। जैसे अगर हम मान के चलो, मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस हाई हो गया है, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो व्हाट विल हैपन, जो भी चीज़ें पेट्रोल जो क्रूड जो ऑयल हमारा या जो पेट्रोल के यूज़ करके जो चीज़ें बनती हैं वो जो महंगी हो जाएंगी, व्हाट विल हैपन, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हमारे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, अब जो हमारा प्रोड्यूस है जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके जो है वो प्राइस राइज हो जाएगा, बिकॉज जो चीज़ें हमें MRP में मिलती हैं, चीज़ें हमें फाइनली कस्टमर को मिलती हैं, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, जो इनपुट कॉस्ट होती है, वो सारी की सारी उसको ऐड करने के बाद ही प्रोडक्ट फाइनली मिलता है, ठीक है। तो अगर किसी भी एक चीज़ का, रॉ मटेरियल का या कैपिटल या लेबर, उसका सैलरी बढ़ गया, वेज बढ़ गया, या लैंड जो है महंगी हो गई, तो व्हाट विल हैपन, उसकी वजह से क्या होगा, जो इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने से क्या होता है, प्राइस जो है वो राइज हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट का। और जब प्राइस राइज होता है वी कॉल इट इन्फ्लेशन, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे देखी। कॉस्ट पुश में कहा था कॉस्ट हाई हो जाती है, रॉ मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है, वर्कर जो है वो ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, उनकी सैलरी अगर बढ़ गई, ठीक है, लैंड प्राइस वहाँ पे बढ़ सकता है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। हमने तीन चीज़ें देखी, पहला देखा हमने डिमांड पुल, दूसरा हमने देखा कॉस्ट पुश, ठीक है, और ये प्रिंटिंग मनी वाला एक हमने ये देखा, ठीक है। डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड पुल होता है, कॉस्ट जब ज़्यादा हो जाती है यानी कि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट महंगा हो सकता है। हमारा बेसिक फंडा क्या है, व्हेन देयर इज़ ए प्राइस राइज देयर इज इन्फ्लेशन। प्राइस राइज कैसे होता है ये हमने देख लिया, डिमांड वाले फैक्टर में भी, कॉस्ट वाले फैक्टर में भी हमने जो है प्राइस राइज देख लिया है। नाउ वी नो व्हाट आर द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, नाउ वी विल गेट टू नो व्हाट आर द मेथड्स और मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेथड्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ें देखी थी, डिमांड एंड सप्लाई। जब दोनों में डिसबैलेंस होता है तो दैट इज़ द ओनली रीज़न, जब वहाँ पर इन्फ्लेशन क्रिएट होती है तो डिमांड ज़्यादा हो गई हो, ठीक है, सप्लाई कम हो गई हो, तो इन दोनों की वजह से ही जो है
इन्फ्लेशन क्रिएट होता है. सो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अगर डिमांड ज़्यादा हो गया तो हमें डिमांड कम करनी पड़ेगी, अगर सप्लाई कम हो गई है तो हमें सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न. ठीक है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई को ही हमें बैलेंस करना है सम हाउ. इफ़ यू आर एबल टू बैलेंस द दिस इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, वी विल बी एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अगर डिमांड हाई है तो उसे लो करो, सप्लाई अगर लो है तो उसे हाई करो. तो पहला तो हम लोग देखेंगे हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में, डिमांड साइड में कैसे हम लोग कंट्रोल करें, डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाए. और डिमांड हमें पता है क्यों बढ़ी है, जस्ट बिकॉज लोगों के पास मनी ज़्यादा आ गई है, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि डिमांड वहाँ पे बढ़ी है. ठीक है, तो अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे. डिमांड साइड को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करो, मनी सप्लाई टू बी कंट्रोल्ड. ठीक है, डिमांड साइड को कंट्रोल करने का मनी सप्लाई टू बी कंट्रोल, बिकॉज लोगों के पास पैसा ज़्यादा था, दैट इज़ वाई दे वर डिमांडिंग मोर. अगर लोगों के पास पैसा कम हो गया, इससे हमने कंट्रोल कर दिया उनका फ्लो को, मनी को, तो वो दे विल डिमांड लेस, वो पहले वाली सिचुएशन में आ जाएंगे. ठीक है, मनी सप्लाई टू बी कंट्रोल. मनी सप्लाई हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा क्यों आया था, बिकॉज हमने इंटरेस्ट रेट जो है लोन पे कम कर दिया था, तो अब क्या करेंगे, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट. ठीक है, जो बैंक जो है वो लोन दे रहे थे और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था इसे हम बढ़ा देंगे, वी विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट. जब इंटरेस्ट रेट लोग हम इंक्रीज करेंगे सो व्हाट विल हैपन, लोन जो है वो क्या हो जाएगा, पहले वो चीप हो गया था, अभी लोन जो है वो डियर हो जाएगा. डियर इन मतलब कि अभी वो महंगा हो जाएगा लोन. अगर लोन महंगा हो जाएगा, लोगों को लोन लेने पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो जो है लोन कम लेंगे, और जो लोन जो है लोग कम लेंगे, तो जैसे हमने कार वाले एग्जांपल में देखा, तो कार की डिमांड भी कम हो जाएगी. जब कार की डिमांड कम हो जाएगी तो कंपनीज़ क्या करेंगे, उसके प्राइस को कम कर देंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों कार खरीदने के लिए. पहले तो डिमांड ज़्यादा थी इसलिए उनको ज़रूरत नहीं थी अट्रैक्ट करने की, तो वो प्राइस हाई कर दिया था. और जस्ट बिकॉज लोन कम ले रहे हैं उसकी वजह से उनको अब अट्रैक्ट करना पड़ेगा कस्टमर, सो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, प्राइस को कम कर देंगे. तो नेचुरल सी बात है कि इंटरेस्ट रेट का सीधा सीधा सा रिलेशन है किसके साथ, मनी सप्लाई के साथ. अगर इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो लो है तो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई जो है वो हाई है. और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है तो मनी सप्लाई लो है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. डिमांड सप्लाई को कम करने का एक तरीका तो ये है. ठीक है, दूसरा तरीका क्या था जो हमने देखा था, उसमें क्या था, मोर टैक्सेस. पहले क्या था, जब हमने डिमांड पुल में देखा था, जब टैक्सेस जो है अगर गवर्नमेंट लो कर देती है तो क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाती है. जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाती है, सो व्हाट विल हैपन, दे डिमांड मोर. अब क्या करेंगे, हम टैक्स हाई कर देंगे, बिल्कुल अपोजिट है. टैक्स रेट अगर हमने हाई कर दिया, जैसे मान लो अगर हमने इनकम टैक्स इंक्रीज़ कर दिया या इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने इंक्रीज कर दिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी. और जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, यानी कि उनकी पॉकेट में पैसा कम होगा, तो व्हाट विल हैपन, डिमांड, ठीक है, क्या होता है, डिमांड डिक्रीजेस. और डिमांड डिक्रीजेस, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन डिक्रीजेस. ठीक है, तो ये तो अपना तरीका हो गया. और क्या हो सकता है, बिकॉज डिमांड हाई है सप्लाई कम है, बिकॉज सप्लाई इज लेस तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई को बढ़ाएगी, सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी, इंपोर्ट
फ्रॉम आउटसाइड, इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, उस डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम जो है बाहर से सप्लाई को जो है, जो हमारे पास जो कमोडिटी कम थी उसको हम इंपोर्ट करेंगे. उस इंपोर्ट करने से क्या हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई दोबारा से बैलेंस हो जाएगा और हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा. ठीक है, एक चीज़ ये हो गया. एक चीज़ क्या हो सकता है, वेज रिवीजन. पहले क्या हुआ था, जस्ट बिकॉज लोगों की सैलरी बढ़ गई थी, वेज इंक्रीज हो गए थे, तो उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया था, तो देवर डिमांडिंग मोर. अब क्या करेंगे हम, वेज को है रिवीजन कर देंगे, यानी कि वेज को डिक्रीज कर देंगे. ठीक है, सैलरी कम कर देंगे. सैलरी कम करने से क्या होगा, जो है वो डिस्पोजेबल इनकम कम होगा. जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो पीपल विल डिमांड लेस, एंड व्हेन दे विल डिमांड लेस तो इन्फ्लेशन विल बी इन कंट्रोल. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. और हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट हमने कर लिया. ठीक है, हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज डिमांड और सप्लाई को हमने जो है वो बैलेंस करना है. पहले सप्लाई कम था, और सप्लाई को कम जो है बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इंपोर्ट करें या प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया था दैट वॉज ए शॉर्ट टर्म मेजर. लॉन्ग टर्म मेजर में व्हाट वी हैव टू डू, वी विल डू टेक मेजर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट. जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर दालों की अगर प्राइसेस हाई हो रहे हैं, सो व्हाट विल डू, शॉर्ट टर्म के लिए वी विल इंपोर्ट दैट फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग, वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आवर, जो ये जो दाल है हमारे, जो सीरियल्स हैं जिसकी भी महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए गवर्नमेंट जनरली क्या करते हैं, इंसेंटिव दे सकती है, इंसेंटिव्स दे सकती है उनको, या जो हमारा MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसको इन हाइक कर सकती है. तो उससे लोग क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए इंस्पायर होंगे. ठीक है, उनको इंसेंटिव मिलेगा तो वो ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या और भी जो कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं. और क्या हो सकता है, स्टोरेज. ठीक है, गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो है वो स्टोर कर सकती है प्रोडक्ट्स को, और जब वो उसकी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है तो उसको इंक्रीज कर सकती है. ठीक है, स्टोरेज ऑल्सो ए मेथड डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए. और हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं. कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि जो प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच नहीं पाता, बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है. कुछ पेरिशेबल जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, वो ट्रांसपोर्ट के दौरान ही ख़राब हो जाती हैं. तो अगर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अच्छे रोड बना सकते हैं, हम कोल्ड स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो चीज़ें जो है टाइम पर पहुँचेंगी वो ख़राब नहीं होंगी, तो उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया जा सकता है. बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और जो होर्डिंग्स होती हैं, होर्डिंग्स को जो है हम चेक कर सकते हैं, यानी कि जो लोग जो है मुनाफाखोरी करते हैं, या जो होर्डिंग्स करते हैं, जो स्टोर कर लेते हैं उसको इलीगल तरीके से, जो उस पर जो हम जो है रेड मार सकते हैं, जो उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो उसके वजह से भी जो है डिमांड और सप्लाई को जो है कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, और एक चीज़ और होती है, आरबीआई के पास भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो मनी सप्लाई को जो है कंट्रोल करती है. आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, कुछ टूल्स होते हैं आरबीआई के पास. ठीक है, और मनी सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. ठीक है, तो आरबीआई इज़ ऑल्सो अ मेजर एक्टर जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करती है. ठीक है, तो मनी सप्लाई इसको हम बैंकिंग सेक्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, आके आरबीआई के अपन कौन कौन से टूल्स होते हैं, रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, बैंक रेट होती है, उन सब के बारे में हम जो है आरबीआई वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही.